पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध कुछ युवाओं ने नीलेश्वर पहाड़ी में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस मौके पर युवाओं ने बच्चों के साथ मिलकर फलदार व छायादार पौधों का रोपण किया। इस दौरान सांस्कृतिक परिषद की पूर्व सचिव प्रियंका गश्याल व छात्रा कौशल्या मेहता ने बच्चों को पौधरोपण के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी दी। पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने कहा कि कार्यक्रम से प्रभावित होकर उन्होंने प्रतिदिन 10 पौधे रोपने तथा उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया है। युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की है। प्लांटेशन किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, 10 बच्चे शामिल थे और हमने आज करीबन 12 से 13 प्लांट लगाए। और हमारा ये प्लांटेशन करने का मैसेज यही है कि इस कोरोना ड्यूरेशन में जो है बच्चों को प्लांट और एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट करें, पॉजिटिवली उनको एक मैसेज दे, सीख दे कि आगे चलकर वो अवेयर रहें अपने एनवायरनमेंट के प्रति। और वो भी हमारा बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं और हमें भी उनसे मैसेज मिला कि हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हमने ये लिमिटेशन रखी है कि आज अगर हमने 12 से 13 प्लांट लगाए हैं तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम पहले 100 लगाएं। अगर हम 100 तक का लगा लेते हैं तो हमारा टारगेट 200 तक का रहेगा। और हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करा के बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर करें। आज हमने प्लांटेशन करी और हमने आज मैंगो, गुआवा और आंवले के प्लांट लगाए। और हम सब यही कहना चाहेंगे कि आप भी प्लांटेशन करें और अपने अर्थ को हरा भरा करें। आज हमने वृक्षारोपण किया जिसमें हमने 12 से 13 पेड़ लगाए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट। और कोरोना काल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।